जब वो कन्याकुमारी से निकले तो अंदाजे बयां बहुत अलग था, लेकिन जैसे ही बात आगे बढ़ी और दक्षिण से वो मध्य की तरफ आए और मध्य से राजस्थान की तरफ कूच कर गए तो उनका अंदाज भी बदल गया, अनुभव भी यहाँ पर परिलक्षित होने लगा। और सीधे तौर पर कहें तो भारत जोड़ो यात्रा का जो नारा है वो जनता के बीच पहुँचाने में कुछ हद तक तो कामयाब नजर आए। जी हाँ, आज राज और नीति के इस खास एपिसोड में हम बात कर रहे हैं कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे राहुल गांधी की। राज और नीति दोनों का तालमेल बिठाकर राहुल गांधी ने इस यात्रा को ऐसा सियासी तौर पर डिजाइन किया है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए पॉलिटिकल टेंशन जरूर खड़ी हो गई है। जनता का मिल रहा बेहद प्यार को देखकर कांग्रेस यहां पर 56 इंच के सीने के साथ जो है सियासी तौर पर मैदान में कूदने के लिए आमादा है, तो भारतीय जनता पार्टी फिलहाल मौन के नज़रिए में नज़र आ रही है और सीधे तौर पर कहें तो नई रणनीति के साथ अपने पत्ते खोलने के लिए तैयारी कर रही है। ऐसे में राहुल गांधी को लोग मिस्टर कूल भी कह रहे थे, राहुल गांधी को अब यहाँ पर अनुभवी भी मान रहे हैं। और जब राहुल गांधी खुद कह रहे हैं कि जिस राहुल गांधी को देश ने अब तक देखा है उस राहुल गांधी को वो कोसों पीछे छोड़ आए हैं, ऐसे में नए राहुल गांधी का ये जो नया अवतार है ये पॉलिटिकल तौर पर उन्हें फिर हेडलाइंस में ला रहा है। लेकिन ये हुआ क्या, ये माजरा क्या हुआ कि राहुल गांधी को गुस्सा आ गया? दरअसल राहुल गांधी फोटो खिंचाने में जो है यहाँ पर मिस्टर कूल की भांति हर किसी के साथ जो है खड़े नजर आ रहे थे, लेकिन एक महोदय जब राहुल गांधी के बेहद करीब पहुंच गए और अपनी मोबाइल से उनके साथ सेल्फी फोटो लेने की कोशिशें की तो राहुल बाबा को आ गया गुस्सा। और आगे क्या हुआ ये नज़ारा अब सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। लेकिन राहुल गांधी का ये जो गुस्सा है ये कितना जायज़ है और क्या एक आम कार्यकर्ता ही सही या आम जनता का एक प्रतिनिधि ही सही यदि राहुल बाबा के साथ सेल्फी लेना भी चाह रहा था तो भला उस पर उन्हें ऐतराज़ क्यों हुआ, ये सवाल भी अब मंडरा रहा है। लेकिन हो ना हो, सोशल मीडिया के ज़माने में कुछ भी छुपता नहीं है, कुछ भी यहाँ पर बच नहीं पाता, लिहाजा राहुल गांधी का ये एंगर, राहुल गांधी का ये गुस्सा अब उन्हें सोशल मीडिया में सियासी तौर पर फिर सुर्खियों में ला रहा है।